भिंड और ग्वालियर के बस ऑपरेटर यूनियन ने स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बस ऑपरेटर यूनियन ने भिंड के धर्मेंद्र ट्रेवल्स और ग्वालियर के नीरज ट्रेवल्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, इन दोनों ट्रेवल एजेंसियों ने स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्टर सर्विस लिमिटेड के पदाधिकारी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। दरअसल स्मार्ट सिटी बस सेवा की योजना के तहत इन दोनों एजेंसियों को सरकार ने शहर परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए 40% अनुदान दिया था और दोनों ट्रेवल कंपनियों को लोक सेवा परिवहन के लिए करोड़ों रुपए की जमीन पर बस स्टैंड भी बनाकर दिए, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने जनहित में एक भी बस नहीं चलाई और सरकार का पैसा डकार गए। हमारा कहना यह है कि ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने बसें चलाई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे बसें चलाने के लिए और ये तय था कि उन्हें 70% बसें शहर के अंदर शहरी परिवहन के लिए चलानी, शहर में फायदे वाला काम नहीं है सौदा, इसलिए इनको 30% बसें हम बाहर के रूटों पर देंगे। तो 37 बसें इन्हें चलानी थी, लेकिन इन्होंने उस समय सिर्फ 2 ही बसें चलाई। अब 35 बसों का मैं ये कंडीशन थी कि अगर आपने जो बस नहीं बनाएंगे नहीं चलाएंगे उस पर 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये 2018 से आज 2024 6 साल हो गई, इसी तरह से नीरज ट्रेवल पर 2017 से आज 2024 हो गई, इनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी निकलती है, उसका हमने कैलकुलेशन भी किया, हमने लिख के दिया है। और इनके ऊपर इतना पेनल्टी होने के बाद भी इनको आज तक शासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, इनको गाड़ी बंद नहीं की। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।